हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम बैक अगेन। अभी कुछ देर पहले बहुत जोर से बारिश हो रहा था। हेयर वॉश किए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से। अभी सुबह की शुरुआत यानी कि अर्ली मॉर्निंग है और बाहर में अभी जो लाइट है वो अभी तक बंद नहीं किए गए हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब बंद कर देंगे और नॉर्मल जो लाइट है वो भी आने चालू करेंगे। वैसे 5 बजे से ही इधर सनलाइट आना शुरू हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। और अभी मैं सो के उठ गई हूँ और आप सभी को हेलो बोल रही हूँ। और फिर इसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिए है और अभी 5 बज गए हैं, 5:15। और इसके बाद फिर मैं घर की थोड़ा सा साफ़ सफाई की। ऐसे नॉर्मली कोई कोई बोलते हैं सुबह उठ के झाड़ू लगाना ये सब अच्छा नहीं लगते हैं, होते हैं। मुझे भी ऐसे कभी फील होता है कि सुबह उठ के तुरंत एकदम सब कुछ क्लीन करना, ऐसे जो ट्रेडिशन हमारे रहते हैं इतना फॉलोअप कभी कभार किसी को करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी बाद में हमारा घर में बाकी डस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे तरह करना भी समय लगते हैं, तो एकदम सुबह उठ के ये सब करना मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं हल्का सा कुछ लिविंग रूम में झाड़ू लगा देती हूँ, उसके साथ पूजा के रूम में भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ। और नॉर्मली जो सफाई का जो कार्यक्रम रहते हैं वो 9 बजे के बाद ही करती हूँ, तो इसलिए और सुबह इतना समय भी नहीं मिलते हैं। सही है, सबको एक एक रूटीन रहते हैं, उसी हिसाब से ही चलते हैं, उसे ही चलना चाहिए। और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। आज हेयर बाथ ली थी, शैम्पू की थी, तो अभी भी पानी टपक रहे है, ऐसे लग रहे हैं मुझे। और तुरंत ही अभी इसको हेयर ब्रश नहीं करना चाहिए, हल्का थोड़ा सा सूख जाए उस समय जो कॉम्ब है उसको चलाना चाहिए, नहीं तो जो भीगा हुआ हेयर रहते हैं वो फटने के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं अभी तहाँ के आ गई हूँ और आज हेयर वॉश की थी। कुछ देर पहले काफ़ी बारिश हो रहा था, तो अभी थोड़ा सा वेदर ऐसे बारिश होने के बाद हल्का सा हवा हवा चलते हैं, ठंडा ठंडा लग रहे हैं। और अभी फिर से हमारे जो बिल्डिंग है उसमें सामने यानी कि ऊपर के साइड में दोनों ऑपोजिट साइड में डेकोरेशन के काम चल रहे हैं, तो इसलिए उनके जो साउंड कभी कभार इतना आते हैं जब मैं बात करना चाहती हूँ तो उस समय एकदम ज़ोर ज़ोर से साउंड आ जाते हैं कभी कभी, तो उस समय कुछ रिकॉर्डिंग हो नहीं पाते हैं और इसलिए कभी कभी मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। बहुत दिन हो गए हैं उन लोग पूरे के पूरा डेकोरेशन चेंज कर रहे हैं। दोनों अलग अलग फैमिली है, ऊपर के एक फैमिली है उनका तो चल रहे है आज 3 महीना हो गए हैं, और दूसरे ऑपोजिट में उन लोग को भी 15-20 डेज अभी हो गए हैं, उनको भी टाइम लगेंगे, तो कब तक इनका काम होगा और फिर थोड़ा सा साउंड कम हो जाएंगे, यही होप कर रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए। और अभी तो थोड़ा सा ठीक है, जब शुरुआत में इतना जोड़ो जोड़ो से साउंड हो रहा था होते थे कि बता नहीं सकते हैं, और उसमें तो कुछ रिकॉर्डिंग करना और वॉइस ओवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाते थे, तो यही होते हैं कभी कभी मुश्किल जो परिस्थिति आते हैं उस समय कुछ कर नहीं सकते हैं, और उस समय रिकॉर्डिंग करने के लिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि जब उनका काम ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती हूँ, तो इसलिए कभी कभी जो वीडियो देना होता है वो लेट हो जाते हैं। चलिए फिर अभी मैं किचन
चलते हैं और बनाते हैं कुछ। आज मैं जीरा राइस बनाई थी। जीरा राइस की रेसिपी मैं 2-3 ब्लॉग पहले शायद दिए हैं, तो इसलिए फिर से और नहीं दे रही थी। तो लंच में जीरा राइस नॉर्मली मुझे इतना अच्छा नहीं लगते हैं, तो मुझे राजमा चावल के साथ लंच करना ठीक है, ओके, बट आज राजमा भी बन रहे थे। राजमा बनाने की रेसिपी मैं किसी और ब्लॉग में दूंगी, और आपको तो शायद आपको पता ही है, शायद क्यों, आपको तो ज़रूरी पता है राजमा की रेसिपी, फिर भी मैं और एक वीडियो बनाऊंगी इस बारे में। और इस पुई के साग जो मैं कभी एक वीडियो में दिखाई थी वो भी आज बन रहे थे, और मेरा प्लेटिंग हो गए हैं। पुई की साग के साथ राइस और भी कुछ था, लेकिन उसका क्लिप्स मैं मतलब वीडियो क्लिप्स मैं मेरे पास नहीं थे आज, तो इसलिए दिखा नहीं पाई। और इसके साथ था ये ठंडा ठंडा कूल आइसक्रीम नट्स के साथ। और अभी कितने बजे लग रहे हैं? अभी 4 बजने लगे हैं शाम के। आज मैं राजमा और चावल बनाई थी, और उसके साथ चावल यानी जीरा राइस बनाई थी। जीरा राइस की रेसिपी शायद मैं एक बार दी थी, तो इसलिए आज नहीं दी। राजमा का रेसिपी फिर कभी दूंगी, वो तो आपको पता ही है, फिर भी देते हैं। शाम के 4 बजने लगे हैं। चाय और उसके सूजी बनाऊंगी, तो सूजी बना लेते हैं। दोस्तों हर घर में अलग अलग तरीके सीरा यानी सूजी बनते हैं, मैं भी कुछ थोड़ा सा अलग प्रोसेस से बनाती हूँ, कुछ खास अलग तरीके से नहीं है, फिर भी मेरा कुछ अलग कुछ बनाती हूँ वो जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल आज ये जो लुक है शीरा का वो दिखा देती हूँ, और प्लेटिंग कर चुकी हूँ गर्मा गर्म, और खाने में बहुत टेस्टी बने थे। फिर इसके बाद कुछ बर्तने थे उसको साफ करके रख दिए, कुछ क्रॉकरीज वगैरह। सूजी की रेसिपी तो सबको ही पता है, फिर भी कोई कोई अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मैं भी कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ। कैसे क्या बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। फिलहाल नॉर्मल जो प्रोसेस है वैसे ही बना रही हूँ, उसमें थोड़ा काजू किशमिश घी शक्कर डाल रही हूँ, बेसन नहीं डाल रही हूँ, नॉर्मल प्रोसेस से बना। और ये है जब मैं जीरा बना रही थी उस समय के, और उसके बाद जब मैं बना लिए है इस समय का क्लिप चाहिए। और फिलहाल मैं इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी, और भी कुछ कुछ अभी बाकी है, शाम के जो रूटीन है इसी ब्लॉग में शेयर नहीं कर पा रही हूँ, नेक्स्ट और एक वीडियो में तब आपको वो जरूर शेयर करूँगी। मिलते हैं किसी और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।